मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूँ कि मैं गुस्से से मैंने ग्रेफिटी करा, और मैं गुस्सा क्यों ही होऊंगा जब यूनिवर्सिटी का बच्चा अपनी दीवारों पे दोबारा से क्लीन कर रहा है, दोबारा से रिक्लेम कर रहा है अपनी दीवार, अपने स्पेस दोबारा से क्लीन कर रहा है, तो वो गुस्सा क्यों होगा? और 9 मार्च 2021 को हम लोगों ने फाई ने कॉल दिया था कैंपस रीओपनिंग के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी के जी कैंपस में। जब 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुल सकते हैं तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल सकती? तो हम लोगों का यही डिमांड था कि आप ब्लेंडेड मोड में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करिए, जैसे आप ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं और ऑफलाइन भी दोनों एक साथ ले रहे हैं। तो हम लोगों ने ग्रेफिटी करा था, और फिर उसके बाद मुझे फिर 10 तारीख को SUS ऑफिस, स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज से नोटिस आता है, उसमें प्रॉक्टर ऑफिस का नोटिस अटैच था कि आपको CCTV फुटेज के अकॉर्डिंग 9 मार्च की ग्रेफिटी डिफेसमेंट करते हुए कैंपस वॉल्स का आपको डिबार और सस्पेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी। और फिर मुझे 23 मार्च 2021 को मेरे पास ऑर्डर आता है कि मेरे ऊपर 40,000 रुपये का फाइन लगा दिया गया है सिर्फ 3 ग्रेफिटी करने पर। ग्रेफिटी करने पे 40,000 रुपये का फाइन सस्पेंड कर दिया गया है, और जो सस्पेंड कर दिया गया फिर मुझे 1 साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। कोविड के समय में जब फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी का फीस मेरा 20,500 है एक सेमेस्टर का, मतलब 6 महीने का, तो मैं इस समय में 40,000 रुपये कहाँ से लाऊँ? और मैं इतने भी फाइनेंशियली, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है कि वो मेरे 1 साल की पढ़ाई दोबारा से मेरा वो फंड कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से कैंपस स्पेस को कर्ब कर रही थी हमारे नए VC और जो नया प्रशासन है, तो उस स्पेस को दोबारा से क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। उनका ये मानना था कि ग्रेफिटी जितनी भी है कैंपस में वो नहीं होनी चाहिए, कैंपस को एकदम साफ़ सुथरा कर दो, वाइट वॉश। पिछले साल नैक का विजिट से पहले सारी यूनिवर्सिटी में ग्रेफिटी वाइट वॉश करवा दिया था, और हम लोगों को ये वर्बली उस समय जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने बोला था कि वाइट वॉश होने के बाद आप ग्रेफिटी दोबारा से कर सकते हैं, वॉल आर्ट इसमें कर सकते हैं, जस्ट फॉर द मेंटेनेंस। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेट एन एग्जांपल दैट अगली बार से अगर यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन करता है, यूनिवर्सिटी की दीवारों को दोबारा से क्लेम करता है, तो वो ये ऐसा सोचे कि एक लड़के का सस्पेंशन हुआ था, डर का माहौल जिस तरीके से अमेरिकी यूनिवर्सिटी प्रशासन बना रहा है स्टूडेंट के बीच में, कि रेजिस्टेंस ना हो, यहाँ पे सब लोग शांत बैठे रहे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना करें, तो वो हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हायर एजुकेशन पूरे देश भर में चल रहा है, और अमेरिकी यूनिवर्सिटी उससे अब कहीं अलग नहीं है।